प्यास अधिक हो तो नीर की याद आती है, मझधार में हो नैया तो तीर की याद आती है, हिंसा और आतंक, युद्ध और वैमनस्य के इस माहौल में तीर्थंकर महावीर की याद आती है। अहिंसा परमो धर्मा का संदेश देने वाले वर्धमान महावीर स्वामी दुनिया में इकलौते ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने पेड़ पौधे वनस्पति पर अत्याचार करने का भी निषेध किया। आज दुनिया में देश में ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्याएं हैं, क्लाइमेट चेंज की जो समस्याएं हैं, सबों का समाधान भगवान महावीर स्वामी की वाणी में है। युद्ध किसी चीज का इलाज नहीं है। इंसान को अगर जीना है तो परस्परोपग्रहो जीवा नाम इस रास्ते से ही चलना होगा, और जियो और जीने दो का संदेश अपने आप में पूरा है। जय भगवान। अपने आप में महावीर स्वामी की मंगलमय संदेश, अहिंसा, अनेकांत। अनेकांत बैठे हैं यहाँ पर, ये मूर्तिमान अनेकांत हैं। वैसे जिनवाणी माता को आचार्य अमरचंद्र स्वामी ने मूर्तिमान अनेकांत कहा है। नमो अणिगंध वायस्सा, अनेकांत के लिए नमस्कार। ऐसे अनेकांतवाद जिसके बल पर पूरे लोक की समस्याओं का हल हो सकता है। सौभाग्यशालियों सौभाग्य भी बैठे हैं, प्रज्ञाशालियों प्रज्ञ भी बैठे हैं, और जिसकी चाहत प्रत्येक साधक को होती है विशुद्धि। आप लोगों का उत्साह बताता है कि जिन दिल्ली में केवल एक दो दिन के लिए इतने साधुओं की जरूरत नहीं है, दिल्ली में तो ऐसे पूरे बड़े संघ का चतुर्मास होना चाहिए। चौबीस तीर्थंकर भगवंतों की महान विशाल परंपरा और वर्तमान के तीन वरिष्ठतम आचार्य, ये हमारे तीन परिवार हैं। कई बार श्रावक ग्रस्त लोग परंपरा परंपरा बोल करके थोड़ा सा मनमुटाव पैदा करते हैं, लेकिन आचार्य आदि सागर अंकलीकर, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी और छाने वाले शांति सागर जी महाराज, ये हमारा वर्तमान का परिवार है श्रमणों का, और हम सब एक लाइन में एक साथ बैठे हुए हैं। पूरा परिवार आज यहाँ महावीर भगवान के निर्वाण उत्सव की मंगल वेला में उपस्थित है, और जो रह गए हैं बाहर वक्त पड़ा तो वो भी इकट्ठे हो जाएंगे। सौभाग्य है कि आज हम उन वट वृक्षों की छाया में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और उस मोक्ष मार्ग की तरफ निरंतर वर्धमान हैं, जिस मोक्ष मार्ग को पाने के लिए जीव जन्म जन्म में कामना करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता है। सौभाग्य है कि हम भगवान महावीर स्वामी की श्रवण परंपरा के इतने ऊंचे सोपान तक पहुंचे हैं। आप सबका सौभाग्य है कि निगोद जैसी पर्यायों से निकलकर इसके त्रिंच पर्यायों को पार करके ज्ञानी आज इंसान के चोले में बैठे हैं, और वह भी भगवान महावीर स्वामी की छत्र छाया में। यह तो वो छत्र छाया है कि जहां पाकर के यो धया दया क्षय योग, वीर भक्ति में महावीर स्वामी के लिए कई सारी विशेषताएं दी हैं और उन्हें एक घनी छाया कहा है। इस घनी छाया में आकर के जो बैठता है उसके जन्म जन्म के संताप मिट जाते हैं, शशांक जैसी शीतलता उसे सहज ही प्राप्त हो जाती है। आत्मार्थियों, हमारे पीछे
लाल किला हमारे सामने, लाल मंदिर हमारे पीछे, लाल किला है हमारे सामने, लाल मंदिर है हमारे दोनों बाजुओं में, महावीर के लाल हैं हमारे सामने, महावीर के लाल हैं। निर्वाणोत्सव मनाया जाए पूरे देश में, यह जिन शासन का भाल है, और एक साथ लाल किले में जुटेंगे इतने सारे धर्मात्मा, यही तो एक कमाल है। प्रज्ञा सागर जी की बड़ी कोशिशें थी, भावनाएं पूरी हमारी जुड़ी हुई थी कि जो चल रहा है हो, अच्छे से संपन्न हो, लेकिन तारीखों के कारण से कई बार तारीखें वो मंजर दिखाती हैं कि जो आपने ना सोचा हो वो बातें भी सिखाती हैं। और आज लाल किले के मैदान में, चूंकि इसका आगाज तो एक बार पहले भी हो चुका है, फिर महावीर स्वामी की जन्म जयंती भी महाराज जी यहीं से मनाई थी, और बहुत अच्छे स्तर से सभी साधक एकत्र थे, अनेकांत भी थे उस समय, तो ये पूरी लाइन का जो है दीक्षा दिवस भी था। किसी कारण से वो तारीख या स्थान थोड़ी देर के लिए स्थगित हुआ, लेकिन कुछ वरिष्ठ श्रावकों को हमने कहा कि भाई स्थान या मुख्य अतिथि या देश के मुखिया नहीं उपलब्ध हो पा रहे, नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं, तो एक कार्यक्रम तो इस तारीख में कर ही लेना चाहिए। सभी साधकों का मन बना, और आज आप देख रहे हैं कि जितना उत्साह श्रावकों में है उससे ज्यादा उत्साह साधकों में। मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा उत्साह की जरूरत श्रावकों के लिए है, और निश्चित रूप से थोड़े दिनों बाद हम राष्ट्रीय लेवल पर, सरकारी स्तर पर भी एक बड़ा कार्यक्रम देख पाएंगे। सज्जनों, महावीर कहते हैं, जगत के जीव सब सम हैं, किसी को कम नहीं लेखो। अभी महाराज जी बताएंगे, प्रत्येक आत्मा होनहार परमात्मा। ओहो, अब हम कहेंगे आपको, बहुत सारे साधक हैं, और बहुत सारे साधकों की कांक्षा होती है कि हम भी विशुद्ध सागर जी जैसा बोलें, हम भी विशुद्ध सागर जी जैसा प्रवचन करें, और हम सभी को कहेंगे कि सिर्फ प्रवचन नहीं करें, आचरण भी करें। प्रवचन के साथ आचरण जरूरी है, हमारी सिर्फ जबान नहीं, हमारा जीवन बोलना चाहिए। अभी सुन रहे थे आप, ना हम अधूरे हैं, ना हम अभागे हैं, बात सिर्फ इतनी सी है, बात सिर्फ इतनी सी है कि हम अभी जागे नहीं हैं, और आज जाग जाएंगे। जागना जरूरी है, यानी बाहर की आंख खुलती है तो सूरज दिखता है, और भीतर की आंख खुलती है तो शुद्धोपयोग दिखता है। जागना जरूरी है, मिथ्यात्व का भगाना जरूरी है, सम्यत्व का जगाना जरूरी है, और जब अंतर्मुख दृष्टि करेंगे तो हम अपने आप को पाएंगे। यानी वो दिनेश्वर वर्धमान महावीर स्वामी के इस 26/11 के कार्यक्रम से आपने सुन ही लिया ना, महाराज जी कह दिए, एक 26/11 आई थी जिसने आतंकवाद मचाया था, देश की राजधानी, आर्थिक राजधानी मुंबई में, एक 26/11 ने देश में आतंकवाद मचाया था,
एक 26/11 ने देश में अनेकांतवाद रचाया। अनेकांतवाद का सिद्धांत मिलजुल करके बढ़ने की शिक्षा देता है। बहुत बार कहते हैं घर में चार भाई हैं, चार भाई तो आजकल है ही नहीं। कहाँ है महाराज जी, आप कितने भाई थे? पांच, पांच थे, उसमें ऐसा भी एक रतन निकल पड़ा, ऐसा भी एक रतन निकल पड़ा, ऐसा भी निकल पड़ा। और वहां आरिका माताओं को देखो, तुम्हारी छोरियों को समझाओ, छोटी छोटी भाई की आरिका क्या साधना करती है। छोरियों को समझाओ बेटा, सील संयम सबसे पहले, जैन धर्म सबसे ऊपर। छोरों को समझाओ जैन धर्म का आचार विचार जो है, इसे पाने के लिए दुनिया तरसती है, तुम्हें मिला है, इसे खो मत देना। जिनके पास थे चार पांच रतन, उन माँ बाप ने एक दो समाज को दे दिए, तुम्हारे पास कितने हैं? एक आधी है, वो भी लंगड़ा लूला हो गया। तुम अकेले थे, अच्छा तो भी अच्छी। तेरा भाई बहन है। हाँ, ज्ञानमती माता जी तो, और पूरा परिवार। हाँ, पिच पर खड़े हो जाएं तो कम नहीं होंगे, दो ज्यादा ही होंगे। रविंद्र कीर्ति जी बैठे हैं। अब इतना बड़ा परिवार था, इतने सदस्य थे, तो अपने अपने योग से, अपने अपने भाग्य से कोई मोक्ष मार्ग पर निकल गया, कोई महाव्रती बन गया, और कोई प्रतिमाधारी साधक बन के आज भी धर्म की सेवा में लगे हुए हैं। प्रभाव ना करो। लाल किले के इस मैदान से हम ये तो नहीं कहेंगे आप जनसंख्या बढ़ाओ, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि अगर आप चाहते हो कि वीर भगवान का मंगलमय ध्वज लेकर के कोई चलता रहे, तो आपके परिवार में भी योग्य सदस्यों का होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट में या किसी कारणवश संतान खत्म हो गई तो आपका परिवार ही खत्म हो जाए। होता है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी के साथ अनहोनी ना हो, लेकिन फिर भी श्रावक को, परिवार को ठीक से बनाइए। महावीर भगवान की माँ सात बहनें थीं। कितनी थीं जी? सात बहनें थीं। सात थीं तो एक चंदना बन गई, एक शैलना बन गई, एक ज्येष्ठा बन गई, तो एक महावीर को जन्म देने वाली त्रिशला भी बन गई। अगर आप गृहस्थी में गए हैं तो परिवार को ठीक से संवारिए, ठीक से बनाइए, ठीक से आगे बढ़ाइए, ताकि अच्छे लोग ज्यादा दुनिया में आए और अधर्म को मिटा पाए। भगवान महावीर स्वामी के इस निर्वाणोत्सव पर आग्रह करेंगे, जैसे महावीर स्वामी ने जन्म लेकर के निर्वाण पाया, वैसे हम भी इस मानव जन्म को पाकर के निर्वाण पाने का प्रयास करें। महावीर निर्वाणोत्सव का उल्लेख, महावीर संवत्सर का उससे उल्लेख प्रत्येक श्रावक श्राविकाओं को करना चाहिए। हमारे कुछ आचार्य वृंद हैं कि जो अपने पत्रों में भी वीर निर्वाण संवत का उल्लेख करते हैं, विद्यानंद जी महाराज, विराग सागर जी महाराज, अभिनंदन जी महाराज, मतलब तारीख भले लिखें ना लिखें, लेकिन वीर निर्वाण संवत का उल्लेख उसमें अपने लेटर में भी करते थे, विशेष लेखों में करते थे। हमें चाहिए कि हम इस धारा को आगे बढ़ाएं और वीर निर्वाण संवत, जो देश का, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और फेमस वीर निर्वाण संवत है, इसको हम प्रयोग करना चालू करें। और निर्वाण के अवसर पर, चूंकि अमावस्या को निर्वाण हुआ था और महावीर का जब निर्वाण हुआ तो इतने दीपक जलाए गए कि अमावस्या भी पूर्णिमा में बदल गई।
महावीर स्वामी ने अपने ज्ञान के उद्योत से अंतर को प्रकाशित किया, जगत जन को प्रकाशित किया, मोक्ष मार्ग को प्रकाशित किया और जाने के बाद भी इस जगत को रोशन किया। दीपावली मनाई, इस बार तो अयोध्या में भी लाखों दीपक जलाए गए श्री राम के लिए, वर्धमान के लिए। निश्चित रूप से पूरे देश के लिए महावीर हैं, पूरी दुनिया के लिए महावीर आज भी प्रासंगिक हैं। उन वर्धमान महावीर स्वामी के इस निर्वाण उत्सव वर्ष को पूरे देश में और दुनिया में धूमधाम से भक्ति भाव से मनाएं। प्राकृत भाषा देश की प्राचीन भाषा है, इसका भी थोड़ा थोड़ा प्रयोग करिए। जय जिनेन्द्र, जयदु जिनेन्दो। ब्राह्मी लिपि देश की प्राचीनतम लिपि है, इसका भी थोड़ा थोड़ा उपयोग करिए। सब कुछ संभव है, आप रोमन लिपि सीख सकते हैं तो ब्राह्मी लिपि भी सीख सकते हैं। और यहां दिल्ली में तो कई लोगों ने इस टाइप का उपक्रम चालू किया और प्राकृत भाषा जिसे हम सब बोलते हैं, आपसे आग्रह रहेगा कि जब भी जनगणना हो, जनगणना के फॉर्म में अपने धर्म में जैन धर्म लिखिए। आपका कोई भी उपनाम हो, अपने उपनाम के साथ साथ गोयल जी, प्रत्येक श्रावक को चाहिए कि अपना जो भी गोत्र लिखना है गोधा जी, उसके आगे आप जैन भी लिखिए। चालू में आपका जो भी रहे, लेकिन जनगणना में आज हमें ऐसे बताया जाता है कि कम से कम 2 करोड़ जैन इस देश में हैं, लेकिन गिनती जब आती है तो 44-45 पर रह जाते हैं, क्योंकि लिखा नहीं गया। और जब भाषा की बात आती है तो हिंदी के साथ साथ प्राकृत भाषा भी लिखिए। विद्वान जयकुमार जी बैठे हैं, बोले संस्कृत की 18 यूनिवर्सिटी हो गई, उसमें भी आचार्य विद्यानंद महाराज की बड़ी भूमिका रही। प्राकृत की एक भी नहीं है, हमें उद्यम करना चाहिए। चारू कीर्ति जी ने कोशिश की थी श्रवण बेलगोल में, वो अभी आधा अधूरा है। निश्चित रूप से बाहुबली की कृपा से वो पूरा तो हो गई होगा, लेकिन हमें चाहिए कि देश में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी हो जहाँ से प्राकृत भाषा के भी सूत्र दुनिया में जाए। हमें गौरव है, G20 के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने एक प्राचीन शिलालेख का उल्लेख किया। आपको मालूम होगा चंद्रगुप्त मौर्य जैन सम्राट थे, उनके बेटे बिंदुसार भी थे जैन सम्राट थे, उनके बेटे थे अशोक, वो भी जैन सम्राट थे, लेकिन इतिहास उनका कुछ ऐसा है कि उन्हें बौद्ध भी कहते हैं और जैन भी कहते हैं। उनके लेख का जो उल्लेख करके कहा था, उसमें प्राकृत भाषा का उल्लेख अपने मुख से प्रधानमंत्री ने स्वयं किया, उन शब्दों का वाचन किया। हमको बहुत खुशी हुई कि देश के मुखिया को मालूम है कि हमारे देश की प्राचीनतम भाषा प्राकृत है, संस्कृत है, देसी भाषाएं हैं। हम इन भाषा लिपि संस्कृति, हम लोग जो कहते हैं ना कि गिरनार, मंदारगिरी, खंडगिरी, उदयगिरी, इन पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, उसके पीछे सीधा सच्चा उद्देश्य है कि हमारा पुरातत्व तो नहीं मिट जाए, हमारा इतिहास नहीं मिट जाए, हमारे देश की जो उच्चतम सभ्यताएं हैं वो धूमिलना हो जाए। अगर कहीं किसी तरह का अतिक्रमण होता है तो उसे संस्कृति के साथ साथ पुरातत्व को भी नुकसान होता है। हम सभी अपने इस मंगलमय देश के लिए, भारत देश के लिए, इस बार गौरव की कई सारी बातें सामने आईं। जब भारत शब्द का उपयोग नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर हुआ, श्रेय किसे जाता है सारी दुनिया जानती है। पीएम के आसन पर जब भारत लिखा गया तो देश के समर्पित जितने सारे बुद्धिजीवी थे वो सारे गदगद हो उठे कि आज हमारी संस्कृति सचमुच जीवित होने वाली है।
ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। रामभद्र आचार्य जी ने जब उनकी मुलाकात हुई पीएम से, तो विषय भी रखा, देश की संस्कृति और संस्कारों को जानने वाले लोग नीति निष्ठा और ईमानदारी से काम करते हैं। श्री राम के भाई भरत और दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत, उन जैसे विशिष्ट पुरुषों से ये देश और भी रोशन हुआ। आपसे आग्रह करेंगे, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं तो ऐसा जरूर करें कि हमारे कारण से जैन संस्कृति को किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगे। कोई ऐसा ना कहे कि जैनी श्रावक ने ऐसा काम किया। महाराज जी, आप हमसे त्याग करवाते हो, पहले आपके श्रावकों को तो करवा लो। संकल्प करके जाइए कि हमारे कारण से हमारे परिवार पर, हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर किसी तरह का धब्बा नहीं लगने देंगे। ज्ञानियों, अपनी आत्मा की निर्मलता की तरफ कदम बढ़ाने के लिए व्यवहार धर्म जिन शासन शरणभूत है, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तबो देवाभितस प्रणमंती जस धम्मे श्यामणो, जिनके भीतर अहिंसा संयम तप ये धर्म रहता है, देव भी उसे प्रणाम करते हैं। महावीर भगवान ने कोई धर्म का नाम नहीं लिया है। जैनानम पुणवैणम या जौनम, इस तरह के शब्द जो आए हैं वो लगभग 2500 साल पुराने या 2200 साल पुराने, लेकिन महावीर स्वामी ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा संयम और तप, और अगर हम इन तत्वों का अनुकरण करें तो मुझे लगता है कि देश या दुनिया में कोई भी इस बात का विरोध नहीं करेगा, अपितु प्रत्येक संस्कृति इसका अनुकरण करेगी। हम इस संस्कृति का, सनातन जैन धर्म का अनुकरण करें और आगे बढ़ें। यह उद्घाटन समारोह है, समापन समारोह नहीं है, शुभारंभ समारोह है। शंखनाद हुआ है, घंटियां बज रही हैं। कहां गई घंटी? वो और इस वर्ष में बहुत सारे कार्यक्रम आएंगे। पार्श्वनाथ भगवान का 2900वां जन्म जयंती महोत्सव, महाराज जी कोशिश करी जाए 2900वां। नेमिनाथ भगवान का कौन सा आएगा? 5000 आएगा महाराज जी, 5000। एक युवक आया हमारे पास और कहने लगा कि आप बोलते हो कि आदिनाथ और पार्श्वनाथ और ये सब, तो आप ये साल क्यों नहीं बता देते हो कि पार्श्वनाथ का 2900वां, नेमिनाथ का 5000वां, मुनि सुब्रत का 7000वां, आदिनाथ का कितने हजारवा। मैंने कहा हमारी समस्या यही है कि मुनि सुब्रत के पीछे इतिहास है ही नहीं, वो सारा प्राग इतिहास में जाता है, इतिहास के भी पहले, अलौकिक गणित हो जाता है, अलौकिक गणित है वो। करोड़ों करोड़ों वर्ष हो गए, हम क्या निकालें कि आदिनाथ भगवान की कौन सी जयंती आ रही। फिर भी आग्रह करते हैं कि आदिनाथ भगवान की जयंती और निर्वाण उत्सव भी देश में धूमधाम से मनाएं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।